रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। इस नए भारत में रोजाना कुछ देखने सुनने मिल रहा है और खासकर मुस्लिम समाज के लिए तो कौन सी खबर क्या पैगाम लेकर आ सकती है, कह नहीं सकते। बेलगाम में भी मस्जिद का मामला सरगर्म है और ये भी एक साजिश के तहत ही अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक मुस्लिम कश फसादात की तैयारी हो नहीं रही बल्कि हो चुकी है। हर जगह पर कभी मस्जिद, कभी मदारिस, कभी दरगाह को ढहाने की कोशिशें मुस्तकिल जारी है। लिहाजा आज जो भी हो रहा है उस पर भी तबसरा करते हैं। आज यूपी हंडी आई इलाहाबाद में शेर शाह सूरी के जमाने की शाही मस्जिद को शहीद किया गया। इत्तला के मुताबिक सड़क तौसी को लेकर इस मस्जिद को शहीद करने की बात कही जा रही, वाजा रहे है। इसी तरह हुबली दरगाह और दरगाह मस्जिद को शहीद किया गया था। खैर, मुसलमानों की अजीब जहनीत को भी समझने की जरूरत है। मजार को मुंतकिल करने की ही बात को ज्यादातर बताया गया और मजीद बहस का मौजू यह रहा कि जिस बुजुर्ग की दरगाह थी क्या कब्र में जिस्म मौजूद था या नहीं। आज भी सोशल मीडिया पर इस पर बहस तबसरे करते हुए देखा जा रहा है, लेकिन कभी दरगाह से पहले जिस मस्जिद को शहीद किया गया इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं और ना ही तबसरा करना चाहते और ना ही किसी ने इस पर सवाल उठाए। खैर, अब मामला और भी आगे बढ़ते हुए मुस्लिम इलाकों के मकानात को ढहाने की तहरीकें तेज हो रही है। जैसा हमने ऊपर कहा है कि अब मुस्लिम समाज इन खबरों का आदि होता जा रहा है। आज आसाम के लखीमपुर इलाके में 300 से ज्यादा अपराधों को बुलडोजर के जरिए से घरों से ढहाकर बेघर किया गया। गैर कानूनी कहते हुए इनके घरों पर बुलडोजर चलाए गए और तकरीबन इसमें मुसलमानों के ही मकानात है। पुलिस कमिश्नर राजखोवा ने बताया कि 450 हेक्टर की जमीन पर एनक्रोचमेंट किया गया था, बुलडोजर के जरिए खाली कराया गया। 300 मुस्लिम परिवार होने की वजह से मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाने का इल्जाम भी आसाम की हुकूमत पर लगाया जा रहा है। सामाजिक खिदमतगार सफूर अजरगर ने इसे बेहद अफसोसनाक कहते हुए कहा कि अपने ही देश के लोगों के घरों पर महज मुस्लिम होने की बिना पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इन तमाम खबरों के साथ साथ एक अहम खबर की तरफ तवज्जो दिलाना जरूरी है। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक क्या कुछ हो रहा है और कैसे मुसलमानों को रोजाना निशाने पर लाया जा रहा है, इसे समझने की जरूरत है। बीजापुर के एमएलए यतनार पाटिल ने जो अल्फाज मुसलमानों को लेकर इस्तेमाल किए हैं, इसे महज यतनार एक मानसिक रोगी कहकर इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ताज्जुब उन लोगों पर होता है जो इसके घटिया अल्फाजों पर तालियां भी पीटते रहते हैं। इसने मुसलमानों को पाकिस्तान हिमायती कहते हुए भद्दी गाली दी। पहले इस गाली को सुने। भारत बहुत आगे जा रहा है क्योंकि उनका प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार है, देशभक्त है। यार हेल्तार पाकिस्तान हुड़गुरु इली बेवर्ष नन मक्कळु इम्रान खान अंत अल्लोरु वर्ण माड्तार प्रधानमंत्रिगळन्नु इली मक्कळु इली तिंदु पाकिस्तान ऐसा है वैसा है। उधर क्या है रे, चैनल क्या है, खाने को कुछ भी नहीं। आकल को हाले उमूमन ये गाली बेलगाम में भी इस्तेमाल की जाती है। आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? और इसे खुले सांड की तरह क्यों छोड़ दिया गया? क्या अब कोई भी मुसलमानों को लेकर इतने गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल करेगा? आखिर अब मुसलमानों में कोई गैरत बाकी नहीं रही जो इंतहाई गिरा हुआ शख्स मुसलमानों के बारे में कुछ भी कह दे और कुछ फर्क नहीं पड़ता? अगर सही कहा जाए तो मुस्लिम नाम इतना अजमत वाला है कि यतनार जैसे घटिया शख्स को नाम लेने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। और खासकर बीजापुर के लोग और साथ में रियासत के लोग भी खामोश हैं, इस पर ताज्जुब होता है। माशरे में पागल कुत्ते होते हैं, इनका इलाज भी जरूरी होता है। बेवजह माशरे में खौफ का माहौल बनाने वालों का इलाज वक्त पर ना किया जाए पूरा माशरा मुतासिर हो सकता है। और वैसे भी पाकिस्तान इमरान खान का भारत के मुसलमानों से क्या लेना देना? आजादी के बाद बंटवारा यह हकीकत है। भारत के मुसलमान ने इसी जगह पर रहने का फैसला किया और इसके बाद अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ हो गए। लेकिन संगी और भगवा ब्रिगेड को पाकिस्तान का नाम लिया बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया और मुसलमानों को छेड़ने के लिए हमेशा पड़ोसी मुल्क का नाम लेने लगे और आज भी उसी के नाम पर सियासत करते हुए देखा जा रहा है। वैसे भी भारत का मुसलमान पहले काफी परेशानियों में उलझा हुआ है। इन्हें नौकरी नहीं, कारोबार में भी अब हिंदू मुस्लिम जहर घोला जा रहा है। बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं तो इन्हें भी यहाँ भी मुसलमान होने की बुनियाद पर हिरासा किया जाता है। कभी हिजाब, कभी लव जिहाद के बहाने निशाना बनाया जा रहा है। खैर, अब तो यतनार पाटिल ने घटिया सोच और फिक्र का इजहार किया है। अब जहनी मरीजों का भी इलाज जरूरी है तो इन पर मुकदमे दायर किए जाए और अब मुसलमानों को बेदार होना होगा। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी मुजरिमाना होने के लिए काफी होती है और बिलावजह मुसलमान आए दिन क्यों खामखा शिकार हो रहे हैं? कम से कम मुत्तहिद होकर फैसले लेने वाले बने। यकीनन माशरे में कुछ बेगैरत और मुनाफिक ज़हनियत के लोग हैं और रहेंगे और अफसोस तो यह है कि ऐसे ही लोग माशरे में पेश रहते हैं।
लिहाजा मिल बैठ कर तबादले ख्याल करने की आदत डाली। इस तरह तमाम जुल्म सहकर बेहिसी की जिंदगी तुम्हारी नस्लों को गुलाम बना सकती है। लिहाजा यत्नार पाटिल जैसे जहनी मरीजों का इलाज ये हो सकता है कि रियासत के मुख्तलिफ शहरों में मुकदमे दायर किए जाए, वरना आज खामोश बैठोगे तो यूं ही भोगने वालों की तादाद बढ़ती ही जाएगी, और यही सच्चाई है। भारत बहुत आगे जा रहे क्योंकि उनका प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार है, देशभक्त है। यार हेल्तार पाकिस्तान हुड़गुर इली बेवर्ष नन मक्कळु इम्रान खान अंत ಅಲ್ಲಿಯವರು ವರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಐಸಾ ಹೇ ವೈಸಾ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾ ಹೇ ರೇ ಚನಲ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಖಾನೆಕೋ ಕುಚ್ ಭೀ ನೈ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಆಕಳುಗಳು ಕಡ್ದು ತಿಂದು ತಿಂದು ಹಾಲೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ। ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರು? ನಮ್ಮವರು ಬಿಜೆಪಿದಂತ ಆಗ್ಯಾರಲ್ಲ ಗಿರಿಜನ. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರು? ಬಿಜೆಪಿದಂತ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ಬಿಜಾಪುರ ಎಂ ಪಿ ಯಾರು? ಬಿಜಾಪುರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಯಾರು? ಬಿಜಾಪುರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಯಾರು? ಮುಂದೆ ಬಿಜಾಪುರ ಮೇಯರ್ ಆಗೋರು ಯಾರು? ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಜತೀರ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಜಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಗ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಂ ಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ನಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೀಗ ನಾವು अहम खबरों पर एक नजर। बेलगाम का हिंडलगा जेल वैसे भी काफी पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का कहा जाता है। यहाँ पर रियासत के खूंखार मुजरिमों को बतौर सजा रखा जाता है, लेकिन हिंडलगा जेल में बढ़ती रिश्वतखोरी अब मुजरिमों के लिए होटल की तरह लग रही है, ऐसा कहा जा रहा है। लिहाजा एक बार फिर हिंडलगा जेल खबरों में बना हुआ है। बेलगाम के हिंडलगा जेल से मरकजी वजीर नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी दी गई है, ऐसा तफ्तीश में मालूम हुआ है। इत्तला के मुताबिक 3 फोन कॉल्स किए गए हैं जो हिंडलगा जेल से ही होने की तस्दीक हुई है। गैंगस्टर जयेश कांता ने धमकी के फोन किए ऐसा मालूम हुआ है। अब बेलगाम शहर की सड़कों पर 350 इलेक्ट्रिकल बसेस दौड़ेंगी। बढ़ते पोल्यूशन के चलते कुल 350 बसेस को खरीदने का फैसला रियासती हुकूमत ने लिया है। बतौर तजर्बा बेंगलोर मैसूर सड़कों पर फिलहाल इलेक्ट्रिकल बसेस को शुरू किया गया है। बेलगाम के साथ उड़पी दावणगेरे मैंगलोर हुबली धारवाड़ शिमोगा शहरों में भी बसेस शुरू किए जा रहे हैं। पहले चार्जिंग स्टेशन को तामीर किया जाएगा, फिर बसेस शहर में दाखिल होंगी ऐसा बताया गया। लिहाजा बेलगाम वालों के लिए अब मुकामी सफर इत्मीनान बख्श होगा ऐसा कहा जा रहा है। कल रात कार्तिक के पास अचानक ट्रक में आग लग गई, लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कोशिश की और आग पर काबू भी पाया।
आज हीरे बागेवाड़ी में नुमानी हॉस्पिटल की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। तकरीबन 250 के करीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। इनके इस खिदमात पर इन्हें मुबारकबाद पेश की जा रही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।